तो दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे और आज की डेट में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक प्राइस के बारे में और यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को जिस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया उसको देखते हुए हम थोड़ा सा प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कल के डेट के लिए कि मार्केट किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है अपने प्लान्स को, मार्केट किस तरीके से आपको बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए कल के डेट में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों आज से हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस चैनल के ऊपर आना स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आपने आज नहीं देखी तो कल से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस स्ट्रेटजीज के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है और अगर आप इन वीडियोस को देख करके ट्रेड लेते हैं और अगर आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। आज के रेट में देख रहे हैं जैसे कि मार्केट जो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ही ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे देखिए इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बाइंग पहले से आई हुई है, ठीक है, उसको टारगेट मार्केट डायरेक्टली नहीं कर सकता था, मार्केट एकदम से उनको टारगेट नहीं कर सकता था। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग जरूर देखने को मिली। यहाँ पे इस वाले पॉइंट तक अगर मार्केट में अगर बात की जाए 42,893 का जो लेवल था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था और 43,100 के आसपास का जो लेवल था वो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट के लेवल पे काम कर रहा था। वहीं पे अगर बात करेंगे तो एक नया लेवल मार्केट ने ड्रॉ किया, उस लेवल के अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा था, ठीक है। एक नया सपोर्ट मार्केट ने बनाया जो था 42,642 रुपये का, ठीक है। उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सस्टेन करता रहा, काफ़ी टाइम तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट आगे जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा मोमेंटम जरूर से नहीं आ पाया, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करी जाए दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने बनाया 42,300 के आसपास और इसको रेजिस्टेंस बना लिया मार्केट ने 42,630 रुपये का जो लेवल था। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी सेलिंग, बहुत सारी बाइंग आ चुकी है। यहाँ पे अगर बात करी जाए कॉन्टिन्यूसली सेलिंग आई है, एक्सपायरी का दिन था, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी सेलिंग आ चुकी है, अब यहाँ पे कोई भी बायर तो रेस्ट पे ही रहा होगा, मार्केट के अंदर कोई भी अब सेलर तो नहीं है जिन्होंने अपनी पोजीशन बना रखी थी, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया होगा आज के दिन में, नई पोजीशन बनाएंगे वो कल के दिन में, कल के जो भी एक्सपायरी के लिए जो भी पोजीशन बनेगी तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं वो इस जगह पे कहीं स्टॉप लॉस होंगे, उनके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया जा सकता है। बाकी अगर दूसरे तरीके से बात करें मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा गैप अप थोड़ा सा हो सकता है, अगर मार्केट तो गैप अप होगा तो मार्केट अपने लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, जो रेजिस्टेंस है 42,280 के लेवल के आसपास मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और अगर थोड़ा सा अगर नेगेटिव मोमेंटम रहता है तो इस वाले के पास में आकर के मार्केट थोड़ा सा 41,900 तक भी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ये कल के लिए बात होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आज से अपलोड होना स्टार्ट हो गई है और अगर आप देखना चाहते हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। सजेशन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है और अगर आप इनको देख के ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली जो भी आपका प्रॉफिट जो भी आपका लॉस होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल की नहीं होगी, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें पता चल सके हम इंडिया में कहां तक पहुंचे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।